सो हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद हमारी भेंट हो रही है। एक्चुअली लाइफ में कुछ चल रहा था जिसके कारण वीडियोस नहीं बन पा रहे थे, बट आइए आपको एक नए जगह का सैर कराते हैं। तो ये है, आई थिंक ऐसे घर देख के हम लोग गेस कर लेते हैं, ये जस्ट FYI ये कनाडा है। तो रिसेंटली काम के सिलसिले में हम लोग कनाडा आ गए और देखते हैं कब तक रहते हैं, बट अभी तो मैं आपको कनाडा का सैर करा रहा हूँ। ये वहाँ का लोकेलिटी है जहाँ हम लोग रहते हैं। अभी हम लोग एक्चुअली एक पार्क है जहाँ पे मेरी बेटी डेली खेलने जाती है, तो वहीं जा रहे हैं। आज वो बोली कि हम लोग सबको ही चलते हैं, नहीं तो मेरा ड्यूटी नॉर्मली होता है छोटी बेटी को घर पे रखना और बड़ी बेटी अपनी मम्मी के साथ पार्क में जाती है। आप उसको इवनिंग वॉक के नाम पे भी कह सकते हैं। खैर, ये पार्क भी जो है ये एक्चुअली एक स्कूल है, स्कूल के बाजू में है। तो वो भी हमारे घर से लगभग 500 मीटर है। तो यहाँ पे हर कुछ ही थोड़ा सा दूर है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो बहुत तकलीफ होने वाली है। हम लोग मेन सिटी अगर आप बोलेंगे या सिटी सेंटर बोलेंगे ऐसी जगह पे नहीं रहते हैं, थोड़ा ये रेसिडेंशियल एरिया टाइप का है, सिर्फ घर ही घर आपको दिख रहे होंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारे वुडन हैं, तो ईंट पत्थर का जो मकान हम लोग कहते हैं ये यहाँ पे वैसा नहीं है, ये यार देयर वुडन। और उससे भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसमें एक बेसमेंट होता है। नॉर्मली जो एंट्री होता है वो घर के पीछे से होता है, बट सभी घर में बेसमेंट होता है। इनसे फायदा ये है कि आपको दो घर मिल जाते हैं। और यहाँ पे लोग यूजुअली क्या करते हैं कि घर खरीद लेते हैं और बेसमेंट को रेंट पे दे देते हैं, तो जितना बेसमेंट का रेंट आ जाता है उसमें मुश्किल से 400-500 और जोड़ेंगे तो आपको वो घर का EMI हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो लगभग हम लोग पार्क के या स्कूल के करीब आ चुके हैं। अच्छी जगह है। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि हम लोग जो विदेश कहते हैं जब इंडिया में रहते हैं, तो विदेश के नाम पे कनाडा को अगर मैं देखूं तो सफाई है बहुत ज़्यादा, राइट। लोग कम है, लोग जब कम होते हैं, जब आप कंपेरेटिवली इंडिया से कंपेयर करेंगे तो जब आपके पास लोग कम होते हैं तो आप हर चीज़ एक मेंटेन कर पाते हो। इसी स्कूल के बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये स्कूल है और स्कूल के पीछे छोटा सा ये लोग पार्क टाइप का, प्लेग्राउंड टाइप का बोल सकते हैं, जहाँ पे झूले वगैरह स्विंग्स बने हुए हैं, तो बच्चे काफ़ी आते हैं शाम को और खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। तो मेरी बेटी को भी ये चस्का लग गया है। ये जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, ये जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये लग तो रहा है ये पोस्ट देख के कि फुटबॉल ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे घास नहीं है, पत्थर है। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये क्या है एक्चुअली, आप लोग गेस कर सकते हैं, और किसी को अगर पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ हम लोग आ जाने वाले थे, वहाँ मेरी बेटी ऑलरेडी अपना खेलना शुरू कर चुकी है। तो इट्स नाइस प्लेस फॉर इवनिंग। यहाँ आप देख सकते हैं माही ऑलरेडी, पता नहीं कौन सा क्या है ये, बस लटकना लटकने वाला है। इट्स नाइस प्लेस, राइट। क्या यहीं बच्चे सब खेल रहे हैं अपने, ये आप देख सकते हैं कुछ ये भी है, ये पता नहीं क्या है बट कुछ तो है। अच्छा सा फील्ड है यहाँ पे बच्चे के, इस पे देखिए, देख के तो डर भी लगता है। वैसे हम लोग बचपन में पेड़ों पे चढ़ा करते थे, एक ओल्हा पाती गेम हुआ करता है, वो याद आ गया। दिक्कत ये है कि जब आप खुद करते हो तो आपको डर नहीं लगता है, लेकिन जब आपके बच्चे करते हैं तो आपको डर लगता है। तो यही है।